लाइसोसोमल डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरेज, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज, लाइसोसोमल स्टोरेज बीमारियाँ, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जब लाइसोसोम का काम किया, अब लाइसोसोम से होने वाली जो इंसान को मरते हैं, इंसान इनकी वजह से मर जाता है। क्या आप लाइसोसोम के बीमारियों के जानते हैं कि लाइसोसोम के एबनॉर्मल होने की वजह से सही तौर पर अपने काम न करने की वजह से हत्या कि इंसान मर भी जाता है, इंसान को बहुत भारी नुकसान उठाना पड़ता है। जब लाइसोसोम का काम किसी वजह से मुतासिर होता है तो एबनॉर्मल सूरत हाल पैदा हो जाती है जो बीमारी की शिकल में होती है। बेल्जियम के डब्ल्यू जी हॉर्स ने 1965 ईस्वी में यह तहकीक पेश की कि अगर लाइसोसोम का एंजाइम अल्फा ग्लूकोसिडेज जिस्म में पैदा नहीं होता तो इसकी वजह से गैर हजम शुदा ग्लाइकोजन खलियों में जमा हो जाता है, इसके नतीजे में वर्म पैदा हो जाता है और इससे टिश्यूज और खलियों को नुकसान पहुंचता है। इस बीमारी को लाइसोसोमल स्टोरेज बीमारी, लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज कहते हैं। लाइसोसोमल स्टोरेज की तीन मुख्तलिफ बीमारी है, इनमें चंद मंदर झेल है जैसा कि टेसेक्स डिजीज और गाउचर्स डिजीज, और तीसरे किस्म के जो डिजीज है क्रेप्स, क्रेप की बीमारी, क्रेप डिजीज। इन तीन बीमारियों की वजह से इंसान को मौत वाकई तक होता है। इन बीमारियों की वजह से इंसान का दिमाग नाकारा हो जाता है, ब्लाइंडनेस पैदा होता है। इस बीमारी से मरीज 3 साल के दौरान इंतकाल कर जाता है, बाज़ औक़ात 2 साल के दौरान। इंसान के हड्डियों का टूट फूट का अमल और लीवर बढ़ जाता है, लीवर का साइज, जिसकी वजह से इंसान को पेचीदगियाँ पैदा होती है। ये लाइसोसोम का काम किसी वजह से मुतासिर होता है तो एबनॉर्मल सूरत हाल पैदा होती है, तो ये बीमारियाँ की शिकल अख्तियार करती है जो कि ये बीमारियाँ है जो इंसान इनकी वजह से मर भी जाता है।